Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, I will let you know what research tradition exists in my discipline. This is lecture number six of our series, Complete Course on Research Methods. I myself, Abid Hussain, a research scholar. I hope so that you will get benefits from these lectures and you would also like to share with your near and dear ones in your circle. So let's start from the very first slide. That what are traditions in the research which are exist in my discipline? तो ये जो पहला स्लाइड है इसमें मैं आपको ये क्लियर करूँ कि हाउ टू चूज द राइट अप्रोच, अपने डिसिप्लिन में राइट अप्रोच को कैसे सेलेक्ट करते हैं। You may choose to work entirely within the methods and traditions of your chosen discipline, or you may wish to challenge them. आपकी जो भी ट्रेडिशन या जो भी डिसिप्लिन है उसमें मुख्तलिफ मेथड्स पड़े हुए, तो आपने उनमें से एक डिसिप्लिन को चूज करना होता है जो आपको चैलेंज करे। हाउएवर यू शुड टेक टाइम टू डिसाइड विच इज द राइट अप्रोच फॉर यू, इनके लिए आपने ना टाइम निकालना होता है कि आपके लिए एक एग्जैक्ट अप्रोच क्या है जो आप अपने डिसिप्लिन में अडॉप्ट करना चाहते हैं। फेमिलराइज योर सेल्फ विद द ट्रेडिशन एंड मेथड ऑफ योर ओन डिसिप्लिन फील्ड, अपने आप को फेमिलराइज करना यानी आशना करना जो ट्रेडिशन या मेथड आपकी डिसिप्लिन में मौजूद हैं उन्हीं को जांचना है। यू कैन डू दिस बाई टॉकिंग टू योर सुपरवाइजर और रीडिंग पब्लिश रिसर्च इन योर फील्ड, आपने इसका इंतखाब कैसे करना है, या तो अपने सुपरवाइजर से मशवरा करें या अपने ही इसी फील्ड में इस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं पब्लिश रिसर्च को आपने एक्सप्लोर करना है। क्वेश्चन वेदर द ट्रेडिशंस और मेथड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च, यहाँ पे आपके जहन में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि कौन सा ट्रेडिशन तरीका है या मेथड है या जो आपको मुनासिब लगे जो आपकी रिसर्च में कारआमद हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द ट्रेडिशन वर्क विद इन इट, आपको जो भी ट्रेडिशन तरीका अच्छा लगे उसी के अंदर ही आप काम करें। इफ नॉट डिसाइड हाउ यू विश टू चैलेंज द ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर आप ये फैसला नहीं कर सकते कि आपकी फील्ड में कौन सी ट्रेडिशनल अप्रोच मौजूद है, थिंक अबाउट इसके बारे में सोचें हाउ यू विल डिफेंड योर डिवीजन या डिसीजन व्हेन यू प्रेजेंट योर रिसर्च टू अदर्स, आप पे डिसीजन कैसे ले सकते जब आपने अपने रिसर्च को प्रेजेंट करना है। तो इसी एंटायर प्रेजेंटेशन का जो मकसद क्या है कि जब आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहेंगे, आप अपने डिसिप्लिन में रिसर्च करना चाहेंगे, तो इसके तीन चार तरीके। एक तरीका तो ये है कि जो जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च करना है, पहला तरीका ये कि जाके उस पर ना पब्लिश लिटरेचर पढ़ लें तो आपको अप्रोच उसमें नज़र आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अपने सुपरवाइजर से मशवरा करें कि मैं कौन सा तरीका इसमें इम्प्लीमेंट करूँ। तीसरा तरीका ये है कि आजकल जो है यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई आपका डिसिप्लिन कौन सा है, अगर आप बिब्लियोमेट्रिक मेथड करना चाहते हैं यानी स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ सम पेपर्स, तो आपने जो ना उसके तरीके ऑलरेडी लोगों ने इस पर काम किया हुआ है इसको पढ़ लें, किताबों में देखें। और सबसे आसान हल ये कि जब तक आप लिटरेचर रिव्यू किसी भी फील्ड में नहीं करते तो आप एक अच्छे रिसर्च नहीं बन सकते। मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और मैं मुझे आपसे ये भी उम्मीद है कि आप इसको देख भी लेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने नहीं किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मे अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।